मेरी दिल की बात पूछेंगे, एकदम दिल की बात कि मैं डिवोर्स देना चाहती हूँ कि नहीं, एकदम सीधा सिंपल दिल की बात बता रही हूँ। बहुत आसान होता है ना किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना, यू शादी करो, यू बच्चे पैदा करो, यू फेंक दो। वहाँ पे आपका प्यार नफरत में बदल जाता है ना, वहाँ पे ना आप बदला लेने के लिए उतर जाते हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे, तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आप लोग को देने वाली हूँ कि आप अगर डिवोर्स लिए भी हो तो क्या बोल के लिए हो, अगर लेना चाह रहे हो तो क्या सोच रहे हो इस सब मैटर में। तो इस सब का जवाब देने के पहले मैं आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ। जब कोई लेडी मतलब बहुत सारा सिचुएशन फेस करके, मतलब जब उसके दिमाग में कुछ गंदी चीज़ें आती थी कि उसको ज़िंदा नहीं रहना है एंड ऑल, अगर उसके दिमाग में सब चीज़ें आता था कि अपने आप को ख़त्म कर देगी, और आज उस चीज़ से, उस चीज़ को पीछे छोड़ के आज वो आज अपनी लाइफ में अगर खुश है, एक ज़िंदगी जी रही है, तो सोचो कहीं ना कहीं उसे दूसरा जन्म ही मिला है। बोलते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक माँ को दूसरा जन्म मिलता है। एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ है। जब मैं 8 मंथ की प्रेगनेंट थी, आप लोगों को मेरी स्टोरी पता है कि मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए थे मुझे, और जब मेरी बेटी हुई प्रेगनेंसी के 9 मंथ के बाद जब मेरी बेटी हुई, तो बेटी ने तो मुझे नया जन्म दिया, साथ ही साथ मुझे मतलब चारों ओर से जो मैं टूट चुकी थी ना, उस चीज़ से उभरने के बारे में मैं मन में सोच रही थी, और ये सब चीज़ इतना आसान नहीं था मेरे लिए। एक बीवी को अगर धोखा मिलता है अपने पति से भी, उस टाइम जिस टाइम उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो, भी 8 मंथ की प्रेग्नेंट है, वो आदमी डिलीवरी खर्चा देने के डर से, हॉस्पिटल का खर्चा देने के डर से, बच्चे का खर्चा उठाने के डर से, पैसे के डर से वो इंसान छोड़ के भाग जाए, वो भी एक दूसरी लड़की के लिए, क्योंकि वो लड़की पैसा कमाती है। कोई अगर अच्छा भी इंसान होता है ना, वो भी सोचता है कि चलो ठीक है, जब मैं सोचा हूँ मैं इसके साथ नहीं रहूँगा तो इस मैटर में मैं इसे बाद में बात करता हूँ, पहले मैं डिलीवरी करवा लेता हूँ, पहले बच्चा आराम से हो जाए, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। कोई कायर नामर्द ही होता है जो 8 मंथ की प्रेगनेंसी की हालत में अपनी बीवी को छोड़ के भागता है, सिर्फ और सिर्फ पैसा देने के डर से। उसका फिर तो था ही किसी और लड़की के साथ, उसके साथ तो भाग ही गया, लेकिन अगर इंसानियत होती ना तो कम से कम डिलीवरी तक रुकता ना, पैसे भी देता। बट नहीं, जो अपनी बीवी को कभी 5 रुपए हाथ में नहीं दिया, कभी एक साड़ी खरीद के नहीं दिया, कभी एक ज्वेलरी खरीद के नहीं दिया। जब मैं आज लगभग 2 साल हो गया अलग रह रही हूँ अपनी बेटी को, छोटी सी थी 10 दिन की, क्योंकि तब तक वो NIC में थी, 10 दिन की थी, तब से लेके अब तक मेरे साथ है। इसका हर चीज़ खर्चा वगैरह जितने भी सारी चीज़ें मेरे पापा ने हर चीज़ दिया है। अब मैं अलग रह रही हूँ, अपने जीवन में खुश हूँ, चीज़ें चल रही है, ऐसे चीज़ें नहीं चल रही, चीज़ें चल रही हैं, और कहीं ना कहीं एक मूव ऑन की जो प्रक्रिया होती है वो मैं पार कर चुकी हूँ, है ना। तो ज़िंदगी अगर जीना चाहो तो बहुत आसान है, और अगर ज़िंदगी नहीं जीना चाहो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, पॉजिटिव थॉट्स रखो, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, तभी आपके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ आएंगी। मेरे वीडियो में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, पता है, दोष मैं उस इंसान का नहीं देती, दोष उस इंसान के अंदर का नेगेटिविटी को देती हूँ, वो कि वो इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड है अपने आप से, इतना फ्रस्ट्रेटेड है अपने आप से, अपने आसपास के माहौल से, कि वो गुस्सा कहाँ उतारेगा। उस इंसान को ना मैं जानती हूँ ना वो मुझे जानता है, फिर भी आके मेरे कमेंट में तुम ये करती, तुम वो करती, तुम ऐसा वैसा ऐसा ऐसा, जैसे अथर्वा आए दिन आती मेरे वीडियो में नेगेटिव कमेंट करती है, तो मेरे को उस पे तरस आता, दया आता है, तो कितनी फ्रस्ट्रेटेड है अपनी लाइफ से, अपने आप से, जिस कारण से मेरे वीडियो में आके उल्टा पुल्टा कमेंट करती है। और रही बात डिवोर्स के बारे में कि डिवोर्स कब लेना है, क्यों लेना है, क्या करना है, मैं सारी चीज़ें मैं भगवान जी के ऊपर छोड़ दी हूँ, सारी चीज़ें भगवान जी के ऊपर छोड़ दी, सारी चीज़ें मेरे जो अच्छा होगा, जो अच्छा डिसीजन होगा, जो अच्छा निर्णय होगा,
वही भगवान जी मेरे लिए करेंगे। और फिलहाल अभी का मैं अपडेट दे दूँ, ना मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है, ना उसने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है। जो कोई इंसान मुझे 8 मंथ की प्रेगनेंसी में कॉपी ला के देता है, पेन ला के देता है और बोलता है बैठ यहाँ पे, मैं रो रही हूँ पेट पकड़ के और चिल्ला चिल्ला के रो रही हूँ, और वो मुझे बोल रहा है कि नहीं तुम लिख के दो, वो इंसान जो उसे मुझे डिवोर्स देने के लिए मरा जा रहा था और वो इंसान आज अभी तक डिवोर्स अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि वो गलत है। और वो अगर डिवोर्स अप्लाई करेगा ना तो वो फंस जाएगा, बहुत बुरी तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि ये साबित हो जाएगा पूरी तरीके से कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। उसकी मम्मी तो आसपास के लोगों से बोलती रहती है कि हमारे घर का सामने एक लेडी है जो 4 लाख रुपए लेकर अपने पति से डिवोर्स ले ली है, ये भी 4 लाख रुपए ले ले और मेरे बेटे से डिवोर्स ले ले। एक काम करो, तुम भी अपने पति से 4 लाख रुपए ले लो, तुम भी डिवोर्स ले लो। इतना आसान है क्या डिवोर्स ले लेना? इतना आसान है? तुम किसी की भी बेटी को शादी करके लाओ, उसके बाद अपने पूरा महीने भर का, साल भर का, पूरी जिंदगी भर का जमा पूंजी जमा करके बेटी की शादी में 1 लाख रुपए खर्च करके बेटी को एक आस्था विश्वास प्यार के साथ बेटी को शादी देता है, और तुम जैसे लोग क्या करते हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हो और क्या करते हो, डिवोर्स दे दो। इतना आसान है डिवोर्स लेना? एक कहावत है ना, आज मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि तुम्हारे परिवार में ना अभिशाप लगा है, श्राप लगा है, श्राप, ठीक है, और वही श्राप तुम लोग भोग कर रहे हो। बोलते हैं ना कि जो इंसान कर्म करता है ना उसको उसको सजा भोगना ही पड़ता ही है। जैसे तुम और तुम्हारे पति है ना, तुम्हारे पति को उनके मामा ने पढ़ाया लिखाया, बचपन से पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में पढ़ाया, आज तुम्हारे मामा ससुर के कारण ही तुम्हारा पति आज एक सरकारी प्रोफेसर है, एक जॉब करता है, और तुम क्या है कि शादी होके आई, 2 दिन नहीं हुआ उस मामा घर से अपने पति को अलग करवा ली, पति को लेके भाग गई। ये तो उन लोगों का बद्दुआ नहीं लगेगा? जो मामा खुद गरीब है, खेती किसानी करता है, वो मामा अपने भांजे को गांव से लेके आके बचपन से पढ़ा के लिखा के खिला के पिला के एक सरकारी जॉब दिलवाया, और तुम क्या की शादी करके उनके भांजे को लेके वहाँ से भाग गई ताकि घर का काम ना करना पड़े, कुछ ना करना पड़े। अरे एहसान मानना चाहिए। आज वही मामा जब घर में बारात घुस रहा था ना, वही मामा तुम्हारे बेटे को बोल के गया है, अगर एक बाप की औलाद है ना तो शादी करके अपनी बीवी को लेके कहीं और जाके रहना, उस घर में लेकिन मत रहना। आज वही मामा का बद्दुआ लगा है परिवार को, और बद्दुआ इतनी तेज लगी है कि बेटी भाग गई, मुंह में नाक में काली पोत की बेटी भाग गई, और बहुत अच्छा हुआ वो गई है, अगर नहीं जाती ना तो वो भी मर जाती उस घर के अंदर। और बेटा क्या किया, बेटा एक बीवी के होते हुए दूसरी लड़की से मुंह मार रहा है, अब उसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है क्योंकि पैसा कमाती है। तो तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे मुंह में काली पोत दिए हैं, ये होता है कर्म की सजा। दोनों बच्चों को तुमने पढ़ाया लिखाया, जॉब दिलवाया, लेकिन क्या किए हैं? तुम्हारी बेटी को मैं गलत नहीं बोलती हूँ, बेटी बहुत अच्छा की घर से चली गई, अगर नहीं जाती वो घर के अंदर मर जाती। मैं आज भी इसको सही बोलती, वो गलत नहीं है। कोई इंसान मरना नहीं चाहेगा, हर एक इंसान अपने आप को सेव करना चाहता है, बचना चाहता है, वो बचने के लिए उस घर से गई है, नहीं तो मर जाती वो, इसलिए सही है वो। और तुम्हारा बेटा जो किया वो गलत है। तो तुम्हारे पास क्या है बताओ? तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बस पैसा है और ठन ठन गोपाल है। बस पैसा होने से नहीं होता है, परिवार में इज्जत होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। पैसा तो एक भिखारी के पास भी है जो रास्ते में बैठ के भीख मांगता है, पैसा से कुछ नहीं होता है। आज तुम्हारे मुंह में काली वाली पोत के तुम्हारे बच्चे चले गए हैं, दोनों बच्चे, ये है कर्म। ठीक वैसे तुम्हारे बेटे को भी उसकी कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, आज मिले, कल मिले, 2 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, जरूर मिलेगी कर्मों की सजा। और एक चीज बहुत अच्छा हुआ है कि भगवान ने मुझे सेव किया है, बचाया है मुझे, क्योंकि जो चीज़ मैं 5 साल से झेल रही थी, तुम्हारा गाली गलौज, मुझे इंसल्ट करना कि क्या पढ़ाई लिखाई की है, पैसा देके पास हुई है क्या, हाँ
जॉब नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अरे तुम्हारे घर में रह के मैं कपड़ा तक बेची हूँ, कपड़ा खरीद खरीद के तक घर में बैठ के मैं कपड़ा बेचने का बिजनेस कर रही थी। चलो ठीक है, जॉब नहीं लग रहा है, अभी कोरोना काल है, अभी तो जॉब लगेगा भी नहीं 3 साल, मैं तो घर में कुछ बिजनेस करती हूँ, कपड़ा तक बेच रही थी मैं घर में बैठ के। ये बहुत ही कम लोगों को पता है। मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया, लेकिन तुम लोग को पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता। जो अपनी बेटी का उस घर में रहने का पैसा लेता होगा, मैं कौन हूँ? मैं कौन सी खेत की मूली हूँ? मेरे से तो लेंगे ये लोग। पैसा सब चीज़ नहीं होता। काश तुम जैसे लोग समझते कभी, अगर समझते तो आज मैं और मेरी बेटी, हमारा पूरा परिवार होता। लेकिन थैंक गॉड कि भगवान ने मुझे सेव किया, भगवान ने मुझे वहाँ से बचाया है, इसलिए शायद मैं अपनी बेटी को आज भरपूर चीज़ें दे पाती हूँ। जो मेरा मन करता है, बेटी को ये कपड़ा देना, ये खिलाना, ये पिलाना, ये देना है, हर एक चीज़ मैं अपनी बेटी को दे पाती हूँ। नहीं तो वहाँ मुझे सोचना पड़ता, बोलने के पहले 100 बार सोचना पड़ता। शायद बेटी होने के बाद भी पापा मुझे वहाँ पे देते हर चीज़, तो कब तक पापा मुझे देते? इसलिए भगवान ने मुझे वहाँ से हटा दिया, तो भगवान की शुक्रगुजार मानती हूँ। तो बस मैं आप लोगों को यही कह रही थी कि जो डिवोर्स की प्रक्रिया है, ना मैंने अप्लाई किया अभी तक और ना उसने अप्लाई किया है अभी तक भी नहीं अप्लाई किया उसने, और मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी तो उसने मेरी ख़राब की है ना, तो सब चीज़ें मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है सब चीज़ें। और मुझे डिवोर्स देना है कि नहीं देना है, मैं दूंगी कि नहीं दूंगी, कब दूंगी, क्यों दूंगी, मैं यहाँ पे पर्सनली बोल नहीं सकती, क्योंकि वो मेरा एक एक बात सुनता है। अरे आप लोगों को तो पता नहीं हो, जस्ट आपको मेरा वीडियो दिखाता, देखिए ये बोली ये बोली ये बोली, सबको समझ में आता है कि एक यूट्यूबर होता है, वो एंटरटेन के पर्पज़ से वीडियो वगैरह बनाता है, ठीक है। और मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं वो साबित भी कर दूंगी, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं जितनी भी वीडियो बनाती हूँ एंटरटेन के पर्पज़ से बनाती हूँ, है ना। और तुम उसको सबूत के तौर पे दिखा रहे हो, कोई वैल्यू ही नहीं करता वहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं करता। जहाँ पे पति पत्नी का दो कन्वर्सेशन होता है वो वैल्यू करता है। हाँ बेटा, हाँ देखो 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 बैठो। मुझे ना बहुत से लोग ये बोलते कि दी आप अपने पति के बारे में बात मत कीजिए, मत करिए, आगे बढ़िए। बहुत से लोग बोलते हैं बात करिए, हमें जानना है, हमें सीखना है। बहुत से लोग बोलते हैं आप बात करिए, हमें आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत से सीख मिलती है। बहुत से लोग बोलते हैं आगे बढ़िए, मूव ऑन कर लीजिए, हमें और अच्छा नहीं लगता सुनना। तो मैं यहाँ पे उसके अंदर में नहीं घुस रही हूँ, बस मैं एक मेरी राय आप लोग से शेयर करूँ, कि बहुत से लोग मेरे से जानना चाह रहे कि मैं आगे क्या करूँगी, कब क्या होगा, मैंने डिसीज़न क्या लिया है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे करके आगे बढ़ी हूँ। तो लोग मुझसे पूछते हैं, इसीलिए मैं ये सब टॉपिक उठाती हूँ, इसलिए मैं सब बातें करती हूँ, और कोई रीज़न नहीं मेरा ये सब बात करने के लिए। एकदम सिंपल सा तरीका है कि मैं अब क्या करने वाली हूँ। और रही बात आप लोग अगर मेरी दिल की बात पूछेंगे, एकदम दिल की बात, कि मैं डिवोर्स देना चाहती हूँ कि नहीं, एकदम सीधा सिंपल दिल की बात बता रही हूँ, नहीं। क्यों दो? तुमने शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, एक बच्चा पैदा करके फेंक के रख दिया है, और मैं तुमको डिवोर्स दे के आज़ाद कर दूँगी ताकि तुम फिर से शादी करो, फिर से बच्चा पैदा करो, और मेरी ज़िंदगी का क्या? बहुत आसान होता है ना किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना, यूँ शादी करो, यूँ बच्चे पैदा करो, यूँ फेंक दो, फिर शादी करो, फिर बच्चा कर दो, फिर फेंक दो। लेकिन आप लोग पता है, नागिन हूँ मैं। जहाँ पे आपका प्यार नफरत में बदल जाता है ना, वहाँ पे ना आप बदला लेने के लिए उतर जाते हो। कोई जिससे जितना प्यार करता है ना, वो उसको उतना नफरत भी करता है। सबका प्यार करने का तरीका अलग होता है। कोई बोलता है कि मुझसे प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दो, अगर तुम्हारे प्यार में बहुत दम है तो मुझे छोड़ के दिखाओ। और कोई ये कहता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, उसने गलत किया मेरे साथ, अब मैं उससे नहीं छोड़ूंगा, तो मैं भी तो नागिन बन सकती हूँ ना। चलिए, ज़्यादा बात करना यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि कोर्ट कचहरी का बात है तो क्या पता कौन सा पॉइंट लेके बैठ जाएगा अभी, यही वीडियो देख के कोई ठिकाना नहीं है। तो आप लोग थोड़ा समझिए, थोड़ा कोऑपरेट करिए, बस जितना मेरे से बनेगा मैं उतना आप लोग से शेयर करूँगी। चलिए, आप सभी को बाय बाय।